के महाकुंभ में पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए 8 देशों से विदेशी पिंडदानियों का एक समूह सोमवार की सुबह श्री विष्णुपद स्थित देवघाट के फल्गु तट पर पहुंचा। करीब 12 की संख्या में विदेशी पिंडदानियों ने एक दिनी फल्गु विष्णुपद व अक्षयवट वेदी का श्राद्ध किया। कर्मकांड पूरा करने के बाद पिंड को संबंधित वेदियों पर चढ़ाकर पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। पिंडदान के कर्मकांड को उनके साथ आए इस्कॉन मंदिर के लोकनाथ गौरदास ने पूरा किया। विदेशी तीर्थयात्री भगवान शिव की नगरी वाराणसी होते हुए भगवान विष्णु की नगरी मोक्षधाम गयाजी में आए। विदेश से कुल 12 की संख्या में तीर्थयात्री गयाजी आए हैं। गयाजी पहुंचने के बाद विदेशी तीर्थयात्रियों ने शनिवार की रात विष्णुपद, देवघाट और सीताकुंड परिसर का भ्रमण किया था। विदेश तीर्थयात्रियों के समूह में रूस, रशिया, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, जर्मनी, घाना और अफ्रीका के लोग हैं। सभी ने अपने पुरखों का पिंडदान किया है। खास बात ये भी है कि सभी विदेशी श्रद्धालु का स्वागत डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने संवाद सदन कार्यालय में किया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गंगा जल भेंट किया।